मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मैं नारायण भाई नारोला हूँ, रात टिकाने का भागीदार हूँ और मैं एक बिजनेसमैन हूँ सूरत में, और माने जाने बिजनेसमैन है बरोबर। और कल हम 5-6 लोग बैठे थे और सब मेरे दोस्त ही है, और कोई भी जो लोग बैठे थे ना वो कोई भी 200 करोड़ के नीचे की कोई पार्टी नहीं थी, सब मेरे मित्र थे जी। तो कल उसने मेरे को बोला कि यार तू ये पानी का धंधा क्यों चालू कर दिया तूने, और ये कैंगन मशीन बेचने लग गया। तो मैंने ऐसा बोला उनको कि भाई ये मैं पानी का तो बिजनेस तो कर ही रहा हूँ, वो तो आप देख ही रहे हो, पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, मैं ये बिजनेस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो चीज है ना वो मैं नहीं, कोई किसी का माई का कोई वर्ल्ड में कोई ऐसा चीज नहीं है। आज अमेरिका 20 साल से ही ये चीज यूज कर रहा है, कोई ऐसा ये प्रोडक्ट ही ऐसी है कि कोई दूसरा कोई आदमी बना ही नहीं सकता। वेरी ट्रू। कुछ भी कमाए तो हमारे 5 साल के बाद हमको पता चलेगा कि ये फैक्ट्री के अंदर हमने 5 साल के बाद क्या कमाया। तो मैं उनको यही बोला कि चलो 250 करोड़ डाल के हम उसके अंदर 5 साल के बाद हमको पता चलेगा कि हम क्या कमाएगा। डाला यार 2.5 लाख का मशीन बेच, 2.5 लाख का मशीन घर पे डाल के पूरा परिवार की हेल्थ सुधारो। और उसके अंदर एक एक बात करूँ ना तो ये पूरी कंपनी ने ऐसा बिजनेस प्लान बनाया है कि हीरो नारी ओसिना जो जो कंपनी का मालिक है उससे भी तुम बड़े पार्टनर हो। आप समझो 48% का आप हिस्सेदार बन गए हो तो बिजनेस करोगे तो ऐसी प्रोडक्ट तो मेरे बाप की भी ताकत नहीं है कि ऐसी प्रोडक्ट तुम बना पाओगे। वो लोग सब सोचने लग गए कि क्या तुम बोल रहे हो। मैं कहता हूं 48% बेच रहा है और 20 साल से अमेरिका में ये प्रोडक्ट चल रही है, अभी तो इंडिया में तो 3 साल से आई। हम खुद पैसा डाल के इतना पैसा नहीं कमा सकते और 2.5 लाख का मशीन घर पे डाल के पूरा परिवार की हेल्थ सुधर पाए सुधर देंगे हम। और चलो मैं उनको यही बोला कि ये दूसरे के घर में जाएगा और ये 48% इसके उसकी इनकम तो क्या है ना वो आप एक बार बिजनेस प्लान देखोगे ना, एक बार नहीं मैं आज के बाद में 100 बार बिजनेस प्लान देख चुका हूँ तो भी मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि ये है क्या, इसके अंदर इनकम क्या है इतनी बड़ी। ये स्नेह देसाई नागेश्वर, चलो मेरे ऑफिस के अंदर जो आदमी 5 साल से काम कर रहा था साला मैं उनको 10,000-15,000 पगार दे रहा था, आज उससे 5 करोड़ के बाहर निकल गया साला। मैंने 5 साल में तो नोटबंदी के बाद मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ, मैं 5 करोड़ नहीं कमा पाया यार। मैं नारायण भाई के इंट्रोडक्शन में दोस्तों सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, सूरत के टॉप 10 बिजनेस में बिजनेसमैन फैमिली में इनकी फैमिली की गिनती होती है। इनके सिस्टर के साउथ अफ्रीका के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से 2 या 3 जो गोल्डन माइंस के जो पहाड़ है ना वो है, उस फैमिली से ये व्यक्ति बिलोंग करता। और ये उन्होंने पब्लिकली आज बोला है कि सर मैं जिस बिजनेस के अंदर, बहुत पावरफुल लाइन में बोलने जा रहा हूं मेरे दोस्तों इनकी मौजूदगी में आप सबके बीच, आप सबको सबूत बना के, कि मैं लॉकडाउन के बाद जिस बिजनेस में मेरे दोस्तों हूं, खानदानी बिजनेस में हूं, उस बिजनेस के अंदर दोस्तों मैं जहां पे 5 करोड़ नहीं जनरेट कर पाया, उस बिजनेस के अंदर मेरे ही यहां पे काम करने वाला संजय भाई सोंडागर मेरे दोस्तों 5 करोड़ के ऊपर क्रॉस करा, जिसको मैं 10 से 15 हजार रुपए की कभी सैलरी दिया करता था। ऐसे तो बहुत लोग हैं, मेरी बहन तो 2-3 हजार करोड़ की, वो साउथ अफ्रीका में नहीं अमेरिका में 700-800 करोड़ की पार्टी है। अमेरिका में कम से कम 20 से 25 मॉडल है उनकी, उनकी तो बात ही छोड़ो, इतने इतने बड़े लोग है। साल में 5 लोगों का तो उसने आँख खोल दिया उन लोगों का कि चलो यार 5 साल से मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ ये बिजनेस के अंदर, तो यार ये चीज है, ये कितना पैसा दे रही है, तुम डीप में उतरो, तुम डीप में जानो, बाद में पूछो। और तुम मैं उनको यही बात बोला कि चलो तुम कितना भी पैसा कमाओगे, कितना भी, मैं भी कमा रहा हूँ तुम भी कमा रहोगे, पर मैं क्या ये पैसा कमा के तुम मेरे आराम से सो पाओगे, मैं ये पैसा कमा के मैं आराम से सो पाऊंगा क्योंकि मुझे मालूम है मैं जितना भी पैसा कमाऊंगा ना तो दूसरों को अच्छा हुआ है, अरे पैसा मैं कमा रहा हूँ। जिन लोगों में ये चीज जा रही है ना वो खुद जैसा बोलेगा कि नहीं ये जिसने भी दिया यार आज मुझे मेरा फैमिली सेफ हो गया है।
कोविड के अंदर डॉक्टरों ने तो लूट लिया है, जो भी है डॉक्टर प्लीज सॉरी, पर मेरे सामने सर मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे सामने इतने इतने लोग, मेरे कजिन, मैं 25-25, 30-30 लाख रुपया देकर वो आदमी बचा नहीं पाए, मैं उनको मैं क्या देखा मैंने सब सामने कि ये लोग क्या कर रहे हैं, सब बिंदास लूट रहे हैं ये मार्केट के अंदर डॉक्टर आज के टाइम में। किसी को भी मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि 100% में से 2% ऐसे डॉक्टर है ये सेवा कर रहे हैं, बाकी 98% ओनली फॉर पैसा ही कमा रहा है, बिल्कुल सही, कोविड के नाम से, बिल्कुल सही है सर। और मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि तुम चालो बिजनेस में नहीं है, डॉक्टर के बाप बन रहे हो, ये चालो मशीन बेचो, किसी का अच्छा होगा, और ये जो पैसा तुम वापरोगे ना, तुम्हारे बाप के पास, मेरे बाप के पास 2000 करोड़ की भी पार्टी होगी ना, तो इसमें से खाली 5 करोड़ मिलेगा ना, तो 2000 से कम लगेगा तुमको, ये 5 करोड़ म्यूजिक। क्या बात है, क्या कहां छुपे थे आप इतने दिनों? आपका ही काम है सर, सुपर टट्टी में से 3-0 और 4-0 एटन किया ना, सब दिमाग हिल गया सर। थैंक यू सो मच माय ब्रदर, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है दोस्तों। ये बिजनेस के अंदर जितने भी लोग हैं, हाँ, आप कोई काम नहीं समझो, सब सब मैं एक ही उदाहरण देता हूँ, आप सब बाप ही हो, और आप जो भी काम कर रहे हो ना, वो इतना बड़ा काम कर रहे हो कि आप मुकेश अंबानी के भी बाप हो। आप ये बिजनेस कर रहे हो ना, वो बिजनेस मत समझो, आप किसी का घर, किसी का काम अच्छा कर रहे हो, किसी का, किसी के कोई भी आदमी को आप दवाखाने पे, हॉस्पिटल पे नहीं जाने देते हो, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। आप हेल्थ के सामने मत देखो, हेल्थ के सामने देख के काम करो, ऑटोमेटिकली वेल्थ आ जाएगी। 5.0 एक काम करता हूं मैं आपसे दिलवा देता हूं। इतना बेहतरीन आप रिली में। और पता है सबसे बड़ी बात नारायण भाई, बोलो सर, वो भी बोल रहे हो ना सर, दिल से बोल रहे हो सर, सही है सर। सर किसी का अच्छा हो रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली सब निकल रहा है। दैट आई कैन सी ऑन योर फेस ब्रदर, मैं आपके चेहरे पे देख सकता हूँ लिटरली। में तो इतना मोटिवेशन मिलता है संजय का, मैं हम कहीं भी बैठता हूँ ना, मैं कितने भी बड़े लोग बैठता हूँ ना, मैं उस बंदे को नहीं भूलता हूँ, बाकी दुनिया मेरे भागीदार को भी मैं भूल जाता हूँ, रात की कहानी को भी मैं याद नहीं करता हूँ, पर मैं संजय भाई को याद जरूर करता हूँ। ये चैंपियन, ये सुपरस्टार, क्योंकि सर उसने मेरे पापा को उसने ही बचाया है। मेरे पापा के पीछे मैंने 35-40 लाख रुपया अंबानी हॉस्पिटल में खर्चा कर दिया था। उस टाइम मेरे पापा वही हॉस्पिटल में रहता था, क्योंकि मेरे वहां काम करता था, तो मैं ऑफिस पे बिजी रहता था, तो मैं उनको बोलता हूँ तू हॉस्पिटल पे रहे, तू पापा के साथ रहे, क्योंकि मैं नहीं जा सकता था, बहुत मैं कभी कब तक जाता था। तब वो पप्पा घर पे आए ना, तो वो कब पप्पा को क्या उसने खिला दिया पप्पा को, रोज ऐसा वो पानी लेके पप्पा को देता था वो, और 10-15 दिन के बाद पप्पा मेरे को बोला, ओ संजय है ना वो दाढ़िया, उनका नाम नहीं, पप्पा को नाम नहीं पता था, वो मेरे जैसा ही था, तो उनको वो दाढ़िया वो पानी लेके आता है ना, वो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि उनसे मुझे मजा आ गया एक कुदरती। और मेरे पप्पा की मैं फाइल आपको बताऊं सर, उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी नहीं, क्या नहीं है शरीर में, क्योंकि सर मैं आपको सही बोल रहा हूँ, उसने ड्रिंक करते थे, सिगरेट पीते थे, और कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि उसने नहीं खाई, विमल के लिए से कोई भी चीज, मावा बावा सब उसने वो चीज 2003 में सब चीज छोड़ दिया। बाद में उनको 10 साल के बाद वो सब असर होने लगा शरीर में, और उसके बाद मैंने सर 40-45 लाख उसके शरीर के अंदर मैंने खर्चा कर दिया। मेरे पास अंबानी हॉस्पिटल का है, सूरत का महावीर हॉस्पिटल है, सब जितने बड़े बड़े डॉक्टर है सब फाइल है मेरे पास। अच्छा। जिनको देखना है वो आ जाए मेरे ऑफिस में, मैं दिखा भी सकता हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल सर, 3 साल के बाद वो आज के टाइम में मेरा भगवान संजय ही है। 3 साल के पहले उसने पानी घर पे लाके रखा, और सर उसने मेरा पप्पा ने मुझे बोला कि वो पानी जो लेके आता है ना मेरे लिए, वो पानी मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, उसने ऐसा मुझे मैं संजय को बोला तू पप्पा को क्या पिला रहा है रोज, तो उसने बोला ये मेरे पास एक चीज है वो मैं रोज देता हूँ। एक तो क्या है क्योंकि वो 3 लाख का मशीन आता है, वो पानी का आता है, उससे बहुत मजा आता है। एक तो एक काम कर, तो आज RTGS कर दे और मशीन लगवा दे मेरे घर में अकाउंट में से, तो तेरे को जो करना है ना कर। पप्पा 3 दिन से मेरे पीछे पड़ गया है कि पानी में मुझे बहुत मजा आता है, संजय ने बोल दिया। संजय को तो वही चीज चाहती थी कि एक बार नारायण भाई आ जाए, बाद में मैं जब जल्दी जाऊंगा। उसने RTGS कर दिया सर, मैंने RTGS किया, 6 महीने तक मैं और मेरा पार्टनर राज भाई बोले नहीं थे,
उसने तेरे को यार बहन है ये 3 लाख का मशीन क्या है, अरे भाई मेरे पास 3 लाख का क्या, 3 करोड़ के मेरा पप्पा मेरे 3 दिन से मेरे को पीछे बोल गए कि यार ये पानी संजय दे रहा है वो मुझे बहुत मजा आता है, तो मेरे लिए उनके पास मेरे पास 3 लाख क्या है, अरे ये कुछ ये सब उल्लू बनाने की चीज है यार, तो क्या इसके अंदर पड़ रहा है, ये साला मेरे को 6 महीने से मेरे पीछे पड़ा है, और मैं उनको ना बोल दिया कि 5 के बाद मशीन की बात किया ना तो ऑफिस से निकाल दूंगा, राज भाई मेरे को ऐसा बोलता था। बरोबर, ये संजय ने मैंने आरटीजीएस करके मशीन लगाया सर, आज के टाइम में मेरे पप्पा ने मैंने हॉस्पिटल नहीं बताया, मेरे फार्म हाउस में है, मेरे घर पे है, जहां भी मेरे मैं पप्पा ने बोला जहां भी मेरा जितना भी वाड़ी है फार्म हाउस है गांव में सूरत में सब जगह पे मशीन लगवा दिया मैंने। क्या बात है पप्पा, आपको जहां मजा आए ना वहां रहो आप, पानी का मशीन सब जगह पे लग जाए। आज के टाइम में मैंने हॉस्पिटल में उसको मैं हॉस्पिटल में मैं लेके नहीं गया हूँ उनको, आज 3 साल हो गया। Everybody, can you see that? Can you see that power? और पता है इन्होंने बातों बातों में एक वर्ड बहुत भारी बोल दिया, क्या था मालूम है वो? क्या था मालूम है? सुना आपने कि मेरे यहाँ पे काम करने वाला बंदा मेरे परिवार का रक्षक बन गया और आज संजय मेरे लिए भगवान की तरह है। सर भगवान ही क्या दे सकता है आपको, ये इनर्जी क्या दे सकता है मेरे दोस्तों, ये आप क्या काम कर रहे हो आप देखो, आपकी नजर वहां पे जाती नहीं जाती मुझे नहीं मालूम, लेकिन नारायण भाई की आज बातों ने ना, नारायण भाई मैं एक बात बताऊं, मैं करीब 2.5 साल हो गया इस बिजनेस को मैं फुल टाइम कर रहा हूं। सही सर। सर ये पिछला 10 मिनट ना, संजय मेरे से बहुत क्लोज है पूरी दुनिया जानती है ये बात, ठीक है? सही सर। हाँ तो आज जो आपने शेयरिंग किया ना सर, मैं इस शेयरिंग की कल्पना अगर इस शेयरिंग की तुलना करना हो ना, सही सर, तो जिस दिन मैं सर वर्ल्ड का फास्टेस्ट -3 बना था ना, पर उस दिन भी मुझे जितनी खुशी नहीं हो रही है ना, आज मुझे कसम से उससे ज्यादा खुशी हो गई। थैंक यू सर। सर लव यू। सर ये बिजनेस ही कुछ अलग है सच में सर। अमेजिंग सर, अमेजिंग, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। दोस्तों थैंक यू सो मच। कम से कम कुछ नहीं तो 1000 करोड़ से ज्यादा है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सर सही है सर, मैं संजय का तो मैं पूरी जिंदगी ऐसा नहीं भूल सकता हूँ सर। थैंक यू सो मच नारायण भाई, आप लोगों के साथ रह के ये सब चीज सीखा हूँ मैं, और आपसे बड़े बड़े सोच मेरे दिमाग में आए और उसी वजह से ये कर पाए, और आपने भी मुझे कर रहा था मैं नौकरी वहाँ पे, लेकिन एक भाई की तरह रखा, तो उसी लिए एक फैमिली बॉन्डिंग हमारा बन गया था, और उसी वजह से ये सब करने का हिम्मत भी मुझे आया। लेकिन मुझे आपका नेचर पता था कि आप अभी मना कर रहे हो, राज भाई अभी मना कर रहे हैं, लेकिन एक दिन आएगा जब अच्छा होगा सब कुछ तो मेरे साथ ही होंगे और हम साथ में मिलके बिजनेस कर लेंगे। सही है सर। थैंक यू सो मच कि आपका ऑलवेज सपोर्ट इतना मेरे पे रहा है, और बाकी तो भगवान भगवान तो कुछ नहीं, कुदरत ने एक मुझे जरिया बनाया आप तक पहुँचाने का, और आपका कर्मों का फल आपको मिला है सर। थैंक यू। नहीं सही है, मैं सर ये मैं एक बात और बताऊं, मैं इनका फैमिली को देखता हूं ना तो मैं अंदर से मुझे कुछ जलन होती है। उनका पप्पा मेरे को उस टाइम पे बोलता था संजय की जब बहुत तकलीफ आई थी ना तब, इनका यार तुम ध्यान रखना यार ये कुछ कर नहीं पाए, अरे भाई मैं बैठा हूँ यार क्या करेगा वो यार, क्योंकि वो जहाँ से मेरे वहां जब आया ना तब उनके ऊपर ऐसी चीज थी सर कि आप बात ही मत करो, उनको मैं छोड़ देता ना तो कुछ ना कुछ कर ही भी पाता, क्योंकि उनके पास करोड़ों का लाखों रुपये का कर्ज था, महीने का 2-2.5 लाख का हफ्ता जा रहा था, और मैंने उनको बोला कि तुमको जितना देने का है मैं बैठा हूँ ना सर, ये बोलने का कोई भी चीज को बोल देते हो ना आप, उसको कुछ दो मत ना, खाली इतना बोल दो ना तो भी वो जिंदगी वो जीत जाता है वो बंदा, और ये संजय ही है। बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही। अच्छा चलो अभी बात बात में मैं पूछ ही लेता हूँ आपसे, मुझे मालूम है वक्त तो काफी हो गया है। जब संजय भाई अपना 2 करोड़ का घर उन्होंने बनाया और जब आपको पहली बार ये पता चला इस बिजनेस से, तो कैसा लगा था उस समय आपको नारायण भाई, सर, क्या दिमाग में आया था? हाँ सर, वो मेरे को ऑफिस मेरे को बोला उसने फोन करके, नारायण भाई कहाँ पे वो, तो बस ऑफिस में मैं आता हूँ, आप मेरे साथ आना मुझे काम है। हाँ। उस टाइम पे मेरी बहन जो है ना उनका बने हुई भी मेरे साथ थे, अफ्रीका वाले मैं तो ऑफिस पे हूँ, तो वो बोला ठीक है चलो मैं आता हूँ, तो आ गया आया और के चलो गाड़ी में बैठ जाओ, मैंने बोला प्रज्ञेश को मैं तो चलना तू भी साइड में बैठ जा। हम तीनों गए, उसने मेरे को बोला नहीं मैं कहाँ लेके जा रहा हूँ,
उसने सीधा घर पे लेके गया। हाँ। सर मेरे को आंसू निकल गया आंख में से। सही है, लिटरली मेरे को निकल गया ना, मेरे बने हुए थे ना वहां पे, वो उसने दूसरे दिन सत्ता बांट दिया था, साथ मशीन ले लिया था। उसके क्या है ये चीज यार, उसको मैं इतना टाइम से बोल रहा था, उसने मशीन तो ले लिया था, बिजनेस नहीं करते थे वो, तो उनको मैं उसने दूसरे दिन नहीं, दूसरे दिन के ये बिजनेस करने का है। मशीन तो एक साल से उनके घर पे लगी गया था कि वो बोल रहे थे कि ये बिजनेस करने का है, कुछ अलग है। और वो भी मेरा बने हुई जो है ना, वो भी मेरे से धंधा मेरे देख को ये बिजनेस में नहीं आया, ये संदीप को देख के बिजनेस में आया है। मेरी बहन है ना, वो भी इनकी तारीफ करते थे कि ये आदमी क्या है, ये आदमी पे। अब यार सोचो, इकलौता बिजनेस है मेरे दोस्तों, फिर मैं आपका जो है पॉइंट में उसी तरफ लेके जाऊंगा। ये इकलौता बिजनेस है जहां पे एक बॉस अपने एक भाई का, क्योंकि अब वो इनको मैं इंप्लॉय तो नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि जो इनके बीच में रिलेशन था, भले वो 10-15 हजार की वहां नौकरी करते थे मेरे दोस्तों, लेकिन इतनी तारीफ पब्लिकली, पावर ऑफ प्रोजेक्ट है, पावर ऑफ प्रोजेक्ट है सर। उसने किया है तो तारीफ तो करनी पड़ेगी, और तारीफ तो उनकी, मैं मर जाऊंगा ना, मेरी अस्थि भी बलती होगी ना, तो भी उनकी तारीफ करती करती अस्थि। क्या बात है सर, क्या बात है, ये फैबुलस माय ब्रदर, फैबुलस, प्राउड है संजय जी कि आप इस बिजनेस में हमारे साथ, यू आर चैंपियन। एवरीबॉडी कैन यू टाइप वन वर्ड, सुपर संजय जी, सुपर संजय जी, कैन यू टाइप वन वर्ड, सुपर संजय सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संजय भाई, थैंक यू, यू आर अमेजिंग। नारायण भाई, मैं दिल से आपका पहली बात मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि जिस इंसान की मैं खुद इतनी रिस्पेक्ट करता हूँ, खुद मैं उनका इतना इज्जत करता हूँ, और अगर आज के डेट में नारायण भाई मुझे भी ना कोई थॉट आता ना दिमाग के अंदर कि नागेश्वर तेरे को ये करना है, या नया प्रोग्राम बनाना है, या नया प्रोग्राम डन करना है, तो मैं लिटरली बता रहा हूँ, मेरे सर्च बॉक्स में से मैं ऊपर जाता हूँ, सीधा SAN टाइप करता हूँ, उसके बाद संजय जी के दो नंबर आते हैं और मैं सीधा कॉल घुमा देता हूँ। एक सेकंड में ये थॉट नहीं आता कि ये काम होगा नहीं होगा, बंदा करेगा नहीं करेगा, मुझे मालूम है संजय है तो हो जाएगा। ये चीज इन्होंने कमाई है संजय भाई, मैं आपको इंटायर जितने लोग यहाँ पे बैठे उनकी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे आज आपसे ज्यादा शुक्रिया मैं करूंगा नारायण भाई का। नारायण भाई, मैं लिटरली बोलूं, इनर्जी का, सुपर 30 का ये दिन, आज का जो दिन है, मैं ये नारायण भाई के नाम पे डिक्लेयर करता हूँ। आज का दिन आपके लिए याद किया जाएगा, सुपर 30 का, 4.0 का ये दिन नारायण भाई आपके लिए हमेशा याद किया जाएगा। आपकी दिल से जो की गई शेयरिंग है ना, वो याद की जाएगी इसके लिए। एवरीबॉडी कैन वी हैव राउंड अप्लॉज फॉर दिस टू चैंपियंस, दोनों का चेहरा। थैंक यू।